अब जो रियल पर्सन है उसी को बिठाया जाता है। आपको ऐसा लगता है स्टैचू है बट नहीं। अगर टेंट में जाएगा तो हम यहीं बैठेंगे, लाइट बंद कर देना बस। ये देखिए दोस्तों, आरती खत्म होने के बाद भी इतनी भीड़ है, तो आरती में तो यहाँ पे ये लगाइए, आप खड़े ही नहीं हो सकते बिल्कुल भी। देखिए कैसे कैंपिंग का कैंप लगा दिया अपने जेडी भाई ने, ये देखो लाइक देखो, मतलब हम भी फ्यूचर में ऐसा कुछ करेंगे तो अच्छा लगेगा। राम झूला येरा और गंगा मैया येरी, इतना प्यारा दर्शन मुझे तो लगता नहीं आपको कहीं कैंपिंग में भी मिलेगा है। तो दोस्तों देखो नीचे भी आपको जाम दिखाई दे रहा होगा, नीचे है गंगा मैया और अब हम जा रहे हैं नीर वाटरफॉल से, हमें जाना था आगे दूसरी तरफ जहाँ पे हमारा कैंप साइट था शिवपुरी, पर जाम के कारण वहाँ न जाके वहाँ पे तो किया हमने कैंसिल। अब हम जा रहे हैं दोबारा राम झूले की तरफ, राम झूले के वहाँ है त्रिवेणी घाट, तो आज का जो कैंप है हम त्रिवेणी घाट वहीं लगाएंगे और आसपास की जो मार्केट है वो दिखाएंगे, थोड़ा मार्केट में भी घूमेंगे, नाइट लाइफ दिखाएंगे आपको। पहले सबसे पहले तो ये है कि भाई जो ये जाम लगा हुआ, इस जाम से निकले, देखते हैं कितनी देर और लगती है, इसलिए एक डेढ़ घंटे से तो हम यहीं खड़े हैं। चलो चलते हैं आगे। लो भाई, ये भाई तो तंग हो गए, पैदल ही निकल पड़ा कि भाई मैं इस जाम से पहले ही पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मेरे को जाना है। ये हम आ गए हैं दोस्तों राम झूला के पास, यहाँ पे अभी जो आरती थी वो हो चुकी है ख़त्म, उसके बाद की अब भीड़ आपको दिखा देता हूँ, देखिए कितनी भीड़ है। और अभी मैं आपको राम झूला भी दिखा देता हूँ, राम झूले की तरफ से लेके चलता हूँ। क्या है मार्केट है यहाँ पे, मार्केट के बीचों बीच हम लोग जा रहे हैं आगे। आगे चलने बिल्कुल साथ में, यहाँ पे आप देख सकते हो श्री हनुमान जी, प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, तो ये जो ढोल नगाड़ों की आवाज़ आ रही है वहीं से आ रही है, तो एक बार वो भी दिखाता हूँ आपको बाहर से। प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहाँ पे आप साथ में देखिए ये आ गए हम इस तरफ राम झूले की तरफ। सर्वाधिक पहचानी जाने वाली चीज़ों में से एक राम झूला भी है यहाँ पे ऋषिकेश में। ये क्या है, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल दो जगहों को आपस में जोड़ता है, और 750 फीट लंबा है ये राम झूला। ये यहाँ से लगभग ऋषिकेश से 3 किलोमीटर आगे जो लक्ष्मण झूला बना है उसी की संरचना पर राम झूला बनाया गया। चल ही रहे हैं आगे भाई, लाइन को जैसे ही हम तोड़ देते हैं तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ये हिलना चालू हो गया, नीचे गंगा मैया बहती हुई, ऊपर इसको देखो ऊपर से क्या है, इसको कोई ढका नहीं गया, सिर्फ ये जो तार है इनसे इसको आगे बांधने के लिए ऊपर लगाए हुए हैं। देखिए उस तरफ गंगा मैया का दृश्य, राइट साइड आ गए ना। यूट्यूबर भाई उधर ही है वो, दोस्तों ऋषिकेश आप ट्रेन से भी आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो और जहाज से भी आ सकते हो। आपको बस तो ऋषिकेश बस स्टैंड पे उतारेगी, ट्रेन से आओगे तो ट्रेन लास्ट स्टॉपेज आपका हरिद्वार होगा। ऋषिकेश में भी रेलवे स्टेशन खोल दिया गया है, पर अभी ओपन हुआ है या नहीं उसकी अभी कह नहीं सकते कि उसको चला दिया गया है या नहीं। और आप अगर प्लेन से आते हो, जहाज से आते हो, तो आपको देहरादून आना पड़ेगा, देहरादून से ऋषिकेश की दूरी है 21 किलोमीटर। देखिए मुझे
दोस्तों पीछे राम झूला को हमने कर लिया क्रॉस और अब हम दूसरी तरफ है, तो ये मार्केट हम उस में आ गए। ये देखिए दोस्तों आरती खत्म होने के बाद भी इतनी भीड़ है, तो आरती में तो यहाँ पे ये लगाइए आप खड़े ही नहीं हो सकते बिल्कुल भी। दोस्तों यहाँ पे आगे आते हैं जब हम रामदुल्ला से क्रॉस करके, तो यहाँ पे चोटी वाला रेस्टोरेंट, हरिद्वार ऋषिकेश का जो मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है चोटी वाला, वो आपको मिल जाएगा। ये रेस्टोरेंट फेमस चोटी वाला के नाम से इसलिए है, जो इसमें बाहर प्रतिमा लगाई गई है, एक तो प्रतिमा लगाई जाती है और एक ये देख सकते हो आप जो रियल पर्सन है उसी को बिठाया जाता है। आपको ऐसा लगता है स्टैचू है बट नहीं, क्योंकि स्टैचू है ये इस तरफ। और ये यहाँ पे देखिए कैसे कैंपिंग का कैंप लगा दिया अपने जेडी भाई ने, ये देखो। और यहाँ फाइनली हमने जो बोला था ना कि भाई अपने महादेव के चरणों में लगाएंगे, तो महादेव जी के चरणों में ये जेडी भाई ने टेंट लगा दिया। और ये देखिए सोने का काफी जगह है यहाँ पे, अभी इसके अंदर गद्दे भी बिछाएंगे और सारा अपना रेडी कर दिया सेटअप। और ये देखिए सामने का व्यू यहाँ टेंट का बिल्कुल, ये देखिए आप। और ये देखिए यहाँ पे गंगा मैया बह रही है और यहाँ पे इतनी शीतल ठंडी हवा चल रही है कि मजा ही आ जाएगा। मगर ये चलो काफी डबल लेयर का बना रखा है टेंट, तो इसलिए इतनी घबराने की बात तो है नहीं अपनी। हम वो ओढ़ने के लिए कंबल भी लाए हैं और चादर भी लाए हैं। और थकान हो गया यार, जेडी भाई ने सिर्फ 5 ही मिनट लगाए हैं ये टेंट लगाने में, एक्सपर्ट हो गए हम लोग। चलो बढ़िया है यार, पता क्या है सभी हम लोगों ने पीछे वहाँ पे अरावली हिल पे भी लगा लिया यार, तो यहाँ पे रिवर साइड पे ना लगा के हमने थोड़ा सेफ ही देखा है कि सेफ साइड ठीक है, क्योंकि गंगा मैया क्या है रात को पानी बढ़ जाता है, तो यार क्यों है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो यहाँ पे घाट है ना, ये राम झूला के पास घाट है, हमने यहाँ लगाया है, तो ये हमें सेफ जगह लगी। ये देखिए राम झूला येरा और गंगा मैया येरी, इतना प्यारा दर्शन मुझे तो लगता नहीं आपको कहीं कैंपिंग में भी मिलेगा है। ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना भाई, ऐसा दिल कर रहा है कि अभी सो जाए, बस नींद आई, ये लगो आई और आई, बस इतनी देरी है कि इसको तैयारी करें, अंदर हम मैट्रेस लगाएं और बस लेटने की तैयारी करें। तो आपको दिखा देंगे फिर यहाँ से, तो मैट्रेस की तैयारी करते लगाने की। ये हमारे सारे जो लगेज है ना भाई, देखिए पड़े हैं, इतना लगेज लेके आज हम घूमे पूरा दिन। दोस्तों टेंट लगाते ना क्या हुआ, लाइट चली गई है, तो सामने ना ये देखे गंगा मियां बहता हुआ पानी, सिर्फ पानी ही चमक रहा है सामने, पानी ही चमक रहा है। और देखिए राम झूले में जो लाइटें लगी थी, जब लाइट चली गई है तो वो बंद हो गई है। यहाँ पे हमने घाट पे जो ये टेंट लगाया ना, उसको देख के ना लोगों का एक्सप्रेशन देखिए। ये मैम कह रहे हैं हम भाई 25-26 हैं, तो हमें दे दे यहाँ से, हम आगे जो ये घाट है इसको देखते रहेंगे, तो और पूरी रात हम बैठ के ही काट देंगे, ऐसा ही कुछ था। तो इसके लिए तो हम कह सकते हैं कि बैठ जाओ यार। अगर टेंट में जाएगा तो हम यहीं बैठेंगे, लाइट बंद कर देना बस। हाँ कोशिश कर लेंगे। नहीं ये रेंटेड नहीं है, ये हमारा खुद का पर्सनल है। इस हमारे टेंट को देखना, लोगों के एक्सप्रेशन देखने वाले हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। वीकेंड पे सारे होटल हैं फुल, तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं कह रहे यार कहाँ से लिया है, हम दो बंदे हैं हमें भी एडजस्ट कर लो। तो हमने यही कहा कि भाई हम लोग हमारा जितना है हम लोग पहले ही इसमें फुल हो चुके हैं, तो आप वो पता क्या जाते जाते सभी का एक्सप्रेशन देखने वाला है, तो सारे ऐसे कह रहे हैं यार ऐसे ही ले लेते हैं हम, यही ठीक था। यहाँ पे देखो आगे क्या है, ये इस घाट पे सभी लोग जैसे अगर कोई टेंट ले आते हैं तो टेंट लगा लेते हैं, टेंट ना लेके आए तो फिर ऐसे इसी घाट पे सो जाते हैं। कुछ यहाँ पे है कुछ उस तरफ है, तो यहाँ पे तो मंजीत भी क्या देख रहा है भाई, गंगा मैया देख रहा है, गंगा मैया देख रहे हैं भाई। तो रात रात को नहाने का मूड तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहाना नहीं है भाई अभी, वो तो सुबह देखेंगे है ना। हाँ यार देख अभी ना चहल पहल देख लोगों की, अभी भी बहुत है, रात के 10:30 हो चुके हैं। हाँ अभी इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा 10:30 हुए 11 हुए, इनकी यही चहल पहल है, पर इन्होंने अपनी दुकानें बंद करनी है, बढ़ा दिया भाई इन्होंने दुकानें भी बंद कर ली है, सुबह आएंगे अब। हाँ, फिर लगाएंगे सुबह, फिर लगाएंगे। हाँ ये बिजनेस है भाई इनका, सही बात है भाई, रोजी रोटी रोजी, और अच्छी बात है। हाँ। किसे मांगना नहीं पड़ रहा ना। हाँ, मेहनत करके खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ऐसे देखते हुए जा रहे हैं सभी लोग, ये लोगों का एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। It's really good. Like this.
मतलब हम भी फ्यूचर में ऐसा कुछ करेंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। लोगों ने सभी ने यही चीज सोची है ना कि भाई रिवर साइड पे कैंपिंग करें, तो अब घाट पे करें आज फर्स्ट टाइम। ये हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है। यार यहाँ पे सो गए। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया है और अपना टेंट भी यहाँ पे जो घाट है यहाँ पे लगा लिया है। तो देरी ना करते हुए अब सोते हैं क्योंकि हमने सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करनी है, जो ऋषिकेश की फेमस स्पॉट है रिवर राफ्टिंग, हम सुबह वो करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे JD व्लॉग्स के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।